नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल द नॉलेज डेट में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि गूगल कंपनी में आपको जॉब कैसे पाना है, गूगल में आपको जॉब के लिए कहाँ अप्लाई करना है, कहाँ आपको वैकेंसी सर्च करनी है, किस तरह से अप्लाई करना है। मैं इसमें आपको पूरा स्क्रीन रिकॉर्ड करके शुरू से लेकर लास्ट तक फाइनल फॉर्म सबमिट करके आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके से आपको जॉब अप्लाई करना है। मेरे ही साथ के कुछ दोस्तों ने इसी तरीके से करके और गूगल में नौकरी कर रहे हैं। तो दोस्तों इस वीडियो पर लास्ट तक बने रहिए, चलिए वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आपको करना क्या है, आपको जाना है google.com पर, मतलब गूगल पर जाना है और यहाँ पर टाइप करना है करियर गूगल। ये आपको टाइप करके एंटर मार देना है। तो यहाँ पर जो फर्स्ट वेबसाइट आपकी खुलेगी गूगल करियर, इसी से आपको पता चलेगा कि गूगल में कौन कौन सी वैकेंसियां कहाँ कहाँ पर निकली हुई हैं। आपके शहर में भी गूगल की वैकेंसियां निकली होंगी, बस आपको जानकारी नहीं है, आपको पता नहीं है कि कैसे उसमें अप्लाई करना है, कैसे उसके लिए आपको रिज्यूम सबमिट करना है। तो आपको फर्स्ट वाले लिंक पर यानी कि careers.google.com पर क्लिक करना है। आपके सामने सेकंड इंटरफेस ऐसा खुल करके आ जाएगा जहां पर क्रिएट फॉर एवरीवन फाइंड योर नेक्स्ट जॉब एट गूगल का यहां पर इंटरफेस है। आपको यहां पर वेबसाइट देखने को मिल जाएगी। यहां पर आप देख रहे हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर लिखा हुआ है, यहीं पर आपको जॉब खोजनी है। जैसे यहां सॉफ्टवेयर इंजीनियर ही लिखा है, यहां मैं टाइप करता हूं बैंगलोर, तो यहां पर बैंगलोर इंडिया मैं टाइप करता हूं। देखिए यहां पर तुरंत आ गया 66 जॉब्स मैच, मतलब 66 नंबर्स ऑफ जॉब यहां पर मांगी जा रही है और कोई बहुत ज्यादा हार्ड एंड फास्ट इनका रूल नहीं होता है। आपको ऐसा लगता है कि बहुत ज्यादा आपको कैपेबिलिटी चाहिए या बहुत ज्यादा ही आपके पास एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होनी चाहिए गूगल में जॉब करने के लिए, तो दोस्तों ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। दूसरी कंपनीज की तरह ये भी बिल्कुल सही है और बिल्कुल इसी तरीके से अपना रिक्रूटमेंट प्रोसेस लेती है। आपको करना क्या है, यहाँ पर जाकर के सर्च बटन को प्रेस कर देना है। आप जैसे ही देखेंगे सर्च बटन को प्रेस करेंगे, इतनी सारी जॉब आपके सामने बैंगलोर सिटी की ही आपको यहाँ पर खुल करके आ जाएगी, जिसमें से एक दो तो आपके मैचिंग क्राइटेरिया की होगी ही। यहाँ पर फिर से नेक्स्ट पेज में देखिए, नेक्स्ट आ सकते हैं, तो कई चीजें हैं यहाँ पर, बहुत सी जॉब रहेगी, आप सब चेक करके आप देख सकते हैं। मैं पहले इसमें फर्स्ट पेज पे चलता हूँ और आपको बताता हूँ कि किस तरीके से आपको आगे की प्रोसेस करनी है। यहाँ पर लिखा हुआ है कस्टमर इंजीनियर एप्लीकेशन मॉडर्नाइजेशन पब्लिक सेक्टर गूगल क्लाउड, ये जॉब की पोस्ट का टाइटल है। आपके पास क्वालिफिकेशन बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए कंप्यूटर साइंस में। कंप्यूटर साइंस में अगर बैचलर डिग्री है या उसके इक्विवेलेंट आपके पास है, एक्सपीरियंस है आपके पास सर्विंग इन द कैपेसिटी ऑफ टेक्निकल सेल्स में, अगर आपने किया है काम, एक्सपीरियंस है तो आप यहां पर अप्लाई कर सकते हैं। एक्सपीरियंस विद लेगेसी ऑफ मॉडर्न एप्लीकेशन डेवलपमेंट, मतलब अगर आपके पास मॉडर्न एप्लीकेशन डेवलपमेंट इसमें आपने किसी भी तरह से काम किया है, आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर आप इसको एक्सपेंड करेंगे, तो जैसे ही आप एक्सपेंड करेंगे यहाँ पर इसकी सारी जानकारी आपको दिख जाएगी। यहाँ पर बोला है प्रेफर्ड क्वालिफिकेशन मास्टर डिग्री है आपके पास तो प्रेफर्ड किया जाएगा, क्या जॉब है, कैसे है, सब आपको यहाँ पर बताया जा रहा है। आपको करना क्या है, सिर्फ और सिर्फ यहाँ अप्लाई सेक्शन में जाना है। अप्लाई सेक्शन पर यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप अप्लाई सेक्शन में क्लिक करेंगे आपका एप्लीकेशन प्रोसेस में आ जाएगा। दूसरी चीज मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि आपने अगर इसमें अपना अकाउंट लॉगिन नहीं किया तो आप अपना अकाउंट लॉगिन किए कर लीजिएगा, नहीं तो यहाँ पर ही साइन अप मांगेगा। देखिए मेरा यहाँ पर अकाउंट लॉगिन है तो यहाँ पर आ रहा है मेरा अकाउंट। यहाँ पर क्या करना है, आप यहाँ पे रिज्यूम अपलोड करने की यहाँ पर जगह बनी हुई है, तो आप सबसे पहले क्या यहाँ पे देखिए मैंने पहले भर के रखा है इन चीजों को, लेकिन चलिए भरा रहने दीजिए। तो अभी क्या है कि यहाँ पर आपको अपना रिज्यूम सेलेक्ट कर लेना है, जो भी आपके पास रिज्यूम है सेलेक्ट करिए फ्रॉम योर डिवाइस। आप सीधा आइए, आपके पास जो रिज्यूम है आप यहाँ पर सेलेक्ट करके इसको अपलोड कर दीजिए। ये यहाँ पर अपलोडिंग होने लग जाएगी और ये आपका रिज्यूम अपलोड हो जाएगा। यहाँ पर आपको अपना नाम डालना है, जो भी नाम है आपका XYZ, यहाँ पर आपको नाम डालना है अपना, एड्रेस जो भी है एड्रेस डाल देना है आपको यहाँ पर। देखिए मैंने ऐसे ही रैंडम नाम लेकर के ऐसे डाला हुआ है, मैं इसको फाइनली सबमिट नहीं करूँगा लेकिन फाइनल सबमिट पेज तक जा करके आपको बताऊँगा। यहाँ पर मैंने नाम डाला हुआ है, कंट्री रिलीजन अपने इंडिया डाल दिया है, इंडिया आ गया है। दिल्ली मैंने सिटी डाल दिया है। यहाँ पर जो चीज़ आस्टरिस्क है, मतलब
जो चीज में ये लाल टिक लगा हुआ आपको वही भरने की जरूरत है, बाकी आपको भरने की नीड नहीं है। पोस्टल कोड आप ना डाल दीजिए, जो भी जो होगा आपका, जो भी समथिंग कोई पोस्टल कोड है आपके पास वो डाल दीजिए। ईमेल एड्रेस अपना डाल दीजिए, यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर डाल दीजिए, इंडिया है तो यहाँ पर इंडिया सेलेक्ट कर लीजिएगा, इंडिया सेलेक्ट करिए और यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर आप डाल दीजिए, जो भी है। मैं ऐसे रैंडम कोई डाल रहा हूँ, पता नहीं होगा तरीके से आपको मोबाइल नंबर डाल लेना है। कोई वेबसाइट है आपकी, किसी पे काम करना है तो आप उसमें वो डाल दीजिए और उसके बाद तो मैं यहाँ पर फिर अपनी वेबसाइट डाल दीजिए और आप जिस डिग्री जिस यूनिवर्सिटी से डिग्री की हैं उसका स्कूल का नाम यहाँ पर डाल दीजिए, जो भी मैं देता हूँ कुछ ऐसे यहाँ पर आ गया, मैं उसको टाइप कर देता हूँ। मैंने बैचलर्स ऑफ आर्ट किया है, आपने जो भी किया हुआ है आप वो डाल सकते हैं। यहाँ पर डिग्री स्टेटस क्या है, ग्रेजुएट है, इनकम्प्लीट है, कम्प्लीट है, लिख देते हैं ग्रेजुएट। कंप्यूटर साइंस में है, मान लीजिए कंप्यूटर साइंस में है, इंडिया आपने ऐड कर दिया। उसके बाद दूसरी डिग्री है आपके पास, यहाँ पर ऐड अनदर डिग्री करके सेम चीज़ें आपको यहाँ पर ऐड कर देनी है। ज़्यादा से ज़्यादा आप डिग्री इसमें ऐड करिए, प्रेफरेंस हमेशा ये सारी कंपनियाँ उसी को प्रेफरेंस देती है जिसके पास ज़्यादा क्वालिफिकेशन है, हायर क्वालिफिकेशन है और अच्छी क्वालिफिकेशन है। तो मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ। वर्क एक्सपीरियंस आपके पास है या नहीं है कोई बात नहीं, आप जो भी है आप इसमें यहाँ डाल दीजिए, जो कुछ भी आपके पास है, एम्प्लॉयर नेम मतलब जहाँ आपने काम किया है उसका नाम डाल दीजिए, जो भी जॉब टाइटल आपका रहा है वो आप डाल दीजिए यहाँ पर, जो भी आपने जॉब की थी, कब से कब तक की थी, कहाँ से कहाँ तक की थी, तो यहाँ पर आप डाल दीजिए। तो अब ये दिस इज योर करेंट जॉब, आपको डालना है कि नहीं है, अगर नहीं है तो यहाँ पर आप क्लिक कर दीजिए, है तो आप कहीं का भी यहाँ पर डाल सकते हैं। उसके बाद में आप जो स्टेट है स्टेट डाल दीजिए, अनदर जॉब दूसरी जगह आपने जॉब की है वो भी आप यहाँ पर डाल सकते हैं। कवर लेटर मतलब यहाँ पर कुछ अपने बारे में आप लिख दीजिए, डिस्क्रिप्शन मतलब आपको क्या है, क्या अच्छा लगता है, क्या कर लेते हैं, करके आप यहाँ पर नेक्स्ट बटन पर क्लिक कर दीजिए। यहाँ पर कुछ मिनिमम रिस्पॉन्स 5 रिक्वायर्ड पर आपके पास यह है कि यहाँ पर नेक्स्ट बटन पे आप क्लिक करें, क्योंकि मैं ये सब चीज़ें मैंने इसीलिए भरी थी कि नेक्स्ट टैब पे आप आए, वरना नेक्स्ट टैब पे आपको आने नहीं देगा। आपका ईमेल वगैरह सब कुछ यहाँ पे भर गया है, यहाँ पर आप सबमिट करेंगे, टिक करके आप सबमिट मार सकते हैं, लेकिन आप यहाँ पर सबमिट, मैं यहाँ पर सबमिट नहीं मारूंगा। तो यहाँ पर सारी चीज़ें अपलोड करने के बाद यहाँ पर आप सबमिट का यहाँ पर सबमिट कर सकते हैं। सबमिट करने के बाद आपके जो आपने ईमेल आईडी डाला है उस पर एक ईमेल जाएगा यहाँ से, और ईमेल जाएगा उसके बाद में आपको उसी ईमेल पर फिर से इनका रिवर्ट बैक आएगा कि आपके लिए ये जो जॉब है ये आपके लिए सुटेबल है या नहीं है, आपको जाना है तो कब जाना है, कब आपका इंटरव्यू होगा, कॉन्टेक्ट पर्सन का नाम होगा, उसका ईमेल आईडी होगा, उसका कॉन्टेक्ट नंबर होगा, वहाँ से डायरेक्ट कॉन्टेक्ट करके आप एचआर मैनेजर का वहाँ पर डायरेक्ट कॉन्टेक्ट नंबर होगा, आप उससे कॉन्टेक्ट करके इस जॉब के लिए अपने आपको अप्लाई कर सकते हैं और जा सकते हैं। उसके बाद सारी चीज़ें आप पर डिपेंड करती है कि आप कितना अच्छा आपके अंदर टैलेंट है कि आप इस जॉब के लिए सेलेक्ट होते हैं या नहीं होते हैं। जॉब को भरने का तरीका क्या है, किस तरीके से इसको करना है, ये चीज़ मैंने इस वीडियो में आपको शुरू से लेकर के आखिर तक बता दिया। सबमिट एप्लीकेशन के बाद इसका एक प्रिंट जरूर ले लीजिएगा, प्रिंट वो भी कलर प्रिंट लीजिएगा, कलर प्रिंट एक इसका जरूर ले लीजिएगा, प्रिंट रख कर लेकर के अपने पास रख लीजिएगा, जब भी आपको ज़रूरत हो तो आपको जब भी बुलाया जाए आप जा करके वहाँ पर अपना रिज्यूम और इसका कलर प्रिंट आउट लेकर के जा करके वहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हैं। ये था प्रोसेस गूगल में जॉब अप्लाई करने का, ये 100% ऑथेंटिक प्रोसेस है और 100% सही प्रोसेस है, कोई भी इसमें इधर उधर घुमाया नहीं गया है, एकदम सही चीज बताई है। इस तरीके से मेरा एक फ्रेंड है जो इसी तरीके से जॉब पाया है और जॉब कर रहा है, तो मैं चाहता हूं कि आप लोग भी इसी तरीके से जॉब के लिए अप्लाई करें। तो वीडियो कैसा लगा है वीडियो में कमेंट करके हमें बताइए, इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, दोस्तों के साथ इस जानकारी को शेयर करना मत भूलिए, चैनल सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए। वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके हमें जरूर बताइए।